फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अमीकासिन एंटीबायोटिक। अमीकासिन ये हमारी एक सीरीज है, मेडिसिन रिव्यू सीरीज। ये सीरीज की तीसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आती है हमारी सिफैक्सिम के बारे में। सिफैक्सिम आप आईआईकन में जाकर देख सकते हैं। दूसरी हमारी सेकेंड वीडियो थी सेफ्ट्राजोन के बारे में। सेफ्ट्राजोन भी आप आईआईकन में जाकर देख सकते हैं। अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारी वीडियो तीसरी है जो हम अमीकासिन पर बात करेंगे। इसमें भी हम पांच चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, किस ग्रुप की ये, किस क्लास की ड्रग आती है। साथ ही साथ फिर इसके इंडिकेशन, किस इंडिकेशन में लेते हैं, क्या यूजेस हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डोजेस में, साइड इफेक्ट, साथ ही साथ लास्ट में बात करते हैं ब्रांड और स्ट्रेंथ के बारे में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे अमीकासिन में बेसिक हिस्ट्री के बारे में। तो बेसिक हिस्ट्री में ये अमीनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की ड्रग होती है। इसके अंदर चार तरीके की ड्रग आती है। सबसे पहली होती है जेंटामाइसिन, अमीकासिन, कैनामाइसिन और क्लिंडेमाइसिन। ये चार तरीके की ड्रग है जिसमें से हम बात करेंगे अमीकासिन के बारे में। अमीकासिन ड्रग का पेटेंट 1971 में हुआ था और इसको हमने मेडिकली यूज करना 1976 से शुरू किया था। ये ड्रग ओनली इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, ये ओरली टैबलेट कैप्सूल पिल्स की फॉर्म में नहीं आती है। WHO के अकॉर्डिंग ये ड्रग सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट सेफ और मोस्ट इफिकेसी वाली ड्रग है। अब बात करेंगे हम इसके, ये ड्रग सबसे ज्यादा यूज हम बैक्टीरिया में जो करते हैं, उन बैक्टीरिया के नाम है सुडोमोनास, साथ ही ई कोलाई के अलावा प्रोटीएस, कैलासिबा और स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया में इस ड्रग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इंडिकेशन के बारे में, यूजेस के बारे में कि अमीकासिन को किस इंडिकेशन में और किस यूज में दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन, ऊपर से ब्रेन इन्फेक्शन में अगर मेनिनजाइटिस, अगर कोई डिसीज हो गई है पेशेंट को, तो उसमें अमीकासिन का यूज किया जाता है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी, निमोनिया, अस्थमा, इस टाइप से कोई पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो यूज किया जाता है। साथ ही साथ UTI इन्फेक्शन, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया तो यूज किया जाता है। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज, पेल्विक रीजन में अगर इन्फेक्शन है जो लेट गाइनी में ज्यादा दिक्कत देखी गई है, मतलब फीमेल पेशेंट में सबसे ज्यादा पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन होता है, उस केस में भी अमीकासिन का बहुत यूज किया जाता है। साथ ही साथ STD, गोनोरिया या सिफिलिस या एड्स की बीमारी में भी अमीकासिन का यूज किया जाता है। अदर इन्फेक्शन लाइक एज बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, इसमें भी अमीकासिन का यूज किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इसमें भी अमीकासिन का यूज किया जाता है। सेप्टिसीमिया, कि सेप्सिस बन गया है, घाव थोड़ा बहुत ज्यादा दिनों का हो गया है, जैसे कि अगर हमारे कोई पेशेंट शुगर के हैं, उनके घाव नहीं बनते हैं, उसमें इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, उस केस में भी अमीकासिन का यूज किया जाता है। कोई बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा होने लगी है, उस केस में बैक्टीरियासीमिया में भी यूज करते हैं। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव दोनों इन्फेक्शनों में यूज किया जाता है। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस और साथ ही साथ पोस्ट ऑपरेटिव, कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद दोनों कंडीशनों में अमीकासिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्किन की कोई डिसीज है या स्किन एलर्जी वगैरह है, उस केस में अमीकासिन का यूज करते हैं। टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू में अगर प्रॉब्लम है, स्किन में रैशेस वगैरह टाइप के हैं, उस केस में भी इस ड्रग का यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई बर्न पेशेंट है, कोई जला हुआ पेशेंट है, उस केस में भी हम इस ड्रग का यूज करते हैं। कुछ पेशेंटों में जिनको TB हो गई है, ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। और लास्ट में नियोनेटल सेप्सिस, अगर छोटे बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में भी अमीकासिन का यूज करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे हम डोजेस के बारे में। तो अमीकासिन की जो डोज है अप्रोक्स 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी डोज रहती है। अगर कोई पेशेंट 10 साल का है तो उसको 150 mg पर डे देंगे डिवाइडेड डोजेस में। साथ ही साथ अगर कोई 20 kg का पेशेंट है तो उसको 300 mg पर डे देंगे डिवाइडेड डोजेस में। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट 40 kg का है या उससे ऊपर है तो उसे लास्ट डोज हम 500 पर डे देते हैं।
अब बात करते हैं इसका ऑनसेट ऑफ इफेक्ट जो है वो विद इन अ फ्यू मिनट में आना शुरू हो जाता है और इसका इफेक्ट भी 6 से 8 घंटे इसका एक्शन रहता है। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि कोई अगर पेशेंट प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में है तो ये ड्रग का यूज ना करे, बिल्कुल सेफ ड्रग नहीं है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। जैसे कि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में बताया है कोई भी एंटीबायोटिक ड्रग है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी पेशेंट को, पेशेंट वेरी करता है कि अगर किसी पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी है तो उस केस में पेशेंट को अपने पास एक पूरी हिस्ट्री रखनी होती है कि उसको किस ड्रग से इन्फेक्शन रहता है या किस ड्रग से उसको दिक्कत होती है, साइड इफेक्ट होते हैं। अगर उस पेशेंट को साइड इफेक्ट होंगे तो ऐसा हो सकता है नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन रैशेस, एलर्जी, अर्टिकेरिया, इस टाइप की कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देंगे। पेन होगा, कभी कभी हेडेक होना शुरू हो जाता है, ऑटो टॉक्सिसिटी, ईयर इन्फेक्शन वगैरह, ओटिटाइटिस मीडिया की दिक्कत हो जाती है पेशेंट में, साथ ही होमोपोएटिक डिस्फंक्शन हो जाता है कि उसका लीवर वगैरह सही से काम नहीं करता, साथ ही साथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जिस पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है उस केस में भी इस ड्रग को ज्यादा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे लास्ट पॉइंट ब्रांड और स्ट्रेंथ के बारे में। इसमें मैं जिक्र करूंगा सिर्फ 2 ब्रांड का, एक आता है अमीकासिन, दूसरा आता है मीकासिन, और भी बहुत सारे जनरली ब्रांड आते हैं, मैंने सिर्फ 2 का डिस्कस किया है जो ऑल ओवर इंडिया आपको इजीली मिल जाते हैं। तो जैसे इसके अंदर अमीकासिन 100 mg, 250 mg और 500 mg में आता है। इसका हम कुछ टिप्स डाल देते हैं कि कुछ ड्रग जो होती है ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, और कोई भी ड्रग की मैं अगर जानकारी देता हूं तो अपने बिना केमिस्ट की सलाह या फार्मासिस्ट की सलाह से लें। इसके अलावा अपने से खुद से मेडिकेशन ना करें, कुछ दवाइयां घातक हो सकती हैं, ओटीसी ड्रग आप ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी अमीकासिन के बारे में। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और धन्यवाद दोस्तों।